रजा फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। किसी भी रचनाकार के उत्तर जीवन पर बात होगी तो उस रचनाकार के समग्र मूल्यांकन की बात होगी। आज हम लोग यहाँ सब इतना आसपास काव्य संग्रह और बेचैन पत्तों का कोरस, जो कुंवर जी का कहानी संग्रह है, उस पर बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम उनकी रचनाओं में तात्विक प्रश्नों और समकालीन काव्य मुहावरों के बीच एक नया रचनात्मक संबंध खोज सके। अब मैं आप सभी के औपचारिक स्वागत के लिए रजा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी और हिंदी के कवि अशोक वाजपेयी सर को आमंत्रित करता हूँ। वो आए और आप सभी का स्वागत करें। श्री अशोक वाजपेयी सर। मित्रों, हिंदी में तो हिंदी साहित्य पर लगता है कि हिंदी कविता पर काल छाया है। पिछले कुछ दिनों में इतने सारे कवि दुर्भाग्य से दिवंगत हुए हैं और आज जब हम कुंवर जी पर उनकी दो पुस्तकों के बहाने पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक और कवि को जो कुंवर जी के बड़े प्रिय थे उनको भी गंवा चुके हैं 3 दिन पहले। एक कवि का उत्तर जीवन क्या होता है, 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तो उसकी कृतियों का उत्तर जीवन, क्योंकि अब वो कवि से मुक्त हो गई इस एक अर्थ में, और इसलिए कवि उन पर विचार हो, वो आगे चले। कई बार ऐसे कवि होते हैं जिनका उत्तर जीवन दुर्भाग्य से नहीं हो पाता, क्योंकि जब वो नहीं रहते तो फिर उनकी कविता का भी कोई खास मोल नहीं रह पाता। कुंवर नारायण उन हमारे मूर्धन्य कवियों में से थे जिन पर उनकी मृत्यु के बाद ही जितना विचार हुआ है वो इतना व्यापक है। और आज भी मुझे किसी ने एक पत्रिका का विशेषांक दिया है जो कुंवर जी पर पूरी तरह से केंद्रित है। तो जाहिर है कि कुंवर नारायण उन कवियों में से थे जिन पर लगातार विचार और संभवतः पुनर्विचार हो रहा है। उन्होंने अपनी ये जो संग्रह आज प्रकाशित हुआ है, इसकी एक कविता की आखिरी 3 पंक्तियां हैं, और मैं भटक रहा हूं शब्दों के अरण्य में, असंभव की खोज में। एक कवि लगभग 90 वर्ष की आयु में फिर भी ये कह रहा है कि मैं भटक रहा हूं शब्दों के अरण्य में, असंभव की खोज में। असंभव से कम की खोज कविता के लिए बहुत मुफीद नहीं होती। जो असंभव को खोजने की कोशिश करता है उसी को ये का संयोग हो सकता है कि वो बड़ा कवि भी हो जाए। जो लोग संभव की ही खोज में लगे रहते हैं वो भले थोड़े देर के लिए कुछ सफल और मकबूल नजर आए, देर सवेर वो गायब हो जाते हैं। कुंवर जी की आपको सब जानते ही हैं, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु पर एक अद्भुत कविता लिखी थी। इसमें नीम के फूल शव पर गिर रहे हैं। उनकी एक दूसरी कविता इसमें है, गौरैया, जो दुर्भाग्य से मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, कहीं छपी हो तो मुझे पता नहीं। गौरैया, पिता के अंतिम दिनों में उनसे बहुत हिल मिल गई थी एक गौरैया, कभी कभी पास आकर बैठ जाती और देर तक निहारती रहती उन्हें।
पिता कहते थे, उसकी भोली आंखों से झांकती है एक माँ की वत्सल आत्मा। गाती है चिड़िया दूर कहीं वृक्षों के झुरमुट में, सुनाती है शायद अपने बच्चों को अपनी भाषा में कोई अपना कोई अटपटा गीत जो गूंजता है दुनिया भर की भाषाओं में अलग अलग तरह। चाहता हूं ये उड़कर मेरे पास आए, मुझसे सटकर बैठ जाए और सुनाए मुझे पहले अपने कुछ गीत, फिर गाए मेरे उन गीतों को जिन्हें शायद मैं कभी न लिख पाऊंगा। पीछे अपने कोमल पंखों से मेरे आंसुओं को उठा उठा कर तेरा खाना थाली से मुझे दाना दाना चुगाए, मेरे परेशान माथे को सहलाकर मुझे सुलाए और सपनों में भी मुझसे कभी दूर ना हो। और उस दिन जब वो उड़े तो मेरे प्राणों को भी अपने साथ लेकर दूर कहीं उड़ जाए। अक्सर कभी ऐसी उम्र में पहुंचने पर थोड़ा थोड़ा शिथिल पड़ जाते हैं, आखिर कब तक कविता सधेगी, और कविता थोड़ा शत्रु होती है कवि की, के अच्छे कवि जानते हैं बुरे कवियों को मित्र लगती है। तो बहरहाल वो हमेशा एक तरह का तनाव बनाए रहती है। इसी संग्रह की एक कविता में, इसमें क्योंकि सन नहीं दिया हुआ है इसलिए ये पता नहीं चलता है कि कब लिखी गई, लेकिन ये पांडुलिपि स्वयं कुंवर जी ने ही लगभग तैयार की थी, तो इसलिए ये उनके द्वारा अनुमोदित कविता संग्रह है। शायद मैं ही उसकी भाषा को नहीं समझ सका था, जो एक छाया की तरह विनम्र और एक मर्मर की तरह हार्दिक थी। बड़ा कवि ऐसी चीजें भी देख पाता है जो हम छोटों को नजर नहीं आती, मर्मर की हार्दिक विनम्रता को देख पाना ये कुंवर नारायण जैसे बड़े कवि के लिए ही संभव था। आज हम दो पुस्तकों पर के बहाने उन पर चर्चा करेंगे, एक उनका नया कविता संग्रह है और एक दूसरा कहानी संग्रह बेचैन पत्तों का कोरस। आप सबको याद होगा, कुछ को शायद नबी हो युवा लोगों को, कि एक जमाने में तीन कवियों ने, चार कवियों ने संभवतः कहानियां लिखकर एक नई किस्म की कहानी पैदा की थी, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, यद्यपि धर्मवीर भारती तो फिर बाकायदा कथाकार और उपन्यासकार भी थे, लेकिन इन दोनों ने, हालांकि सर्वेश्वर जी ने भी कहानियां लिखी थी और उनका एक उपन्यास भी सोया जल या क्या नाम था कश्म कभी प्रकाशित हुआ था, श्रीकांत वर्मा। ये जो कथाकार कहानीकार थे उनसे अलग ये कवि कथाकार थे, और उनमें आकारों के आसपास या ऐसा संग्रह का नाम था उनका पहला कहानी संग्रह। तो उससे कवि कहानी की भाषा को कैसे बदलता है इसका अनूठा उदाहरण था। रघुवीर सहाय में और कुंवर नारायण भी कई बार कहानी में होता कुछ नहीं, यानी जिसको हम घटनाओं चरित्र चित्रण कथोपकथन इत्यादि इत्यादि मानते हैं, आख्यान भी कुछ नहीं होता, बस कहानी होती है। ये जो न होने की कहानी है, जो एक तरह से अपने कहानी न होने की कहानी है, ये बहुत दिलचस्प एक मुकाम था हिंदी में, जो दुर्भाग्य से बाद में फिर शिथिल पड़ गया। सब लोग अब कहानी बहुत कहते हैं, कहानी न कह पाने की कहानी कम कहते, लेकिन वो नारायण सौभाग्य से ऐसे लोगों में थे जो ये कर पाते थे। अब मेरी बकबक समाप्त, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम लोगों ने जब कुंवर जी 80 वर्ष के हुए थे तब रजा फाउंडेशन ने एक आयोजन उन पर किया था, अब उनके उत्तर जीवन पर, उत्तर जीवन के बहाने एक और आयोजन हम कर पा रहे हैं, इसकी हमें प्रसन्नता है। आगे चलाइए।
कुंवर नारायण अपने संग्रह कुमारद्वीप में लिखते हैं, ध्वनित होते रहेंगे उसके अर्थ, उसके अनेक अर्थ कालांतर में एक व्यक्ति से अधिक उसके विचारों में जीवन होता है। उसी की तलाश हम उत्तर जीवन के बहाने कर रहे हैं और अब मैं गौतम चटर्जी जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपने सामने जो कुंवर नारायण जी की कविताओं पर वृत्त चित्र है उसका प्रदर्शन होना है, उसके बारे में वे कुछ कहें और उसके बाद फिर हम फिल्म का प्रदर्शन देखेंगे। अशोक जी को सुनने के बाद पहला जो सजेशन ये आया था कि कुछ ना बोला जाए, इस सम्मोहन पूरा बिगड़ जाएगा ऐसा लगता है। तो चूंकि फिल्म को दिखाने जा रहे हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करना धर्म है हमारा। कवि के पास हम जब जाते हैं तो सिर्फ यही उम्मीद लेके जाते हैं कि हम हमारा जो विजन है वो और एक्सटेंड करेगा और इंडास्ट होगा, और तब हम लोग ये पाते हैं कि सचमुच में उत्तर जीवन तो क्या, वो जीते जी उत्तर मन के कवि थे और बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल पोएम्स की ओर जाते हुए थे ऐसा फील होता है। 70s के लास्ट दिनों से लेकर के आखिरी समय तक हम लोग लगातार इंटरेक्शन में होते थे, लखनऊ के दिनों में भी और यहाँ भी साथ साथ फिल्म बनाते हैं ना। तो फिल्म बनाने की एक क्रम था जो मैं एक डेकालॉग बना रहा था, विश्व के जो 20th सेंचुरी के पोइट्स हैं उन पर मैं एक ही घंटे की एक सीरीज बनाया जिसमें मार्शल प्रूस्ट, जिनके बारे में ये कम जाना जाता है कि वो कविता भी लिखते हैं, फिर ऑडिन है, हैंस मैग्नस, एंजेस बर्गर हैं और बोर्हेस हैं, रिल्के हैं, ऑक्टेवियो पास हैं, और भारत से अरविंदो, रविंद्रनाथ के बाद उन्होंने श्रीकांत वर्मा, ओएनवी कुरु और कुंवर नारायण जी, वो एक एक घंटे की फिल्म में बनाई। तो इस फिल्म के दो वर्शंस हैं, एक तो एक घंटे वाला है और एक आधे घंटे वाला है जिसको हम लोग आधे घंटे वाला देखने जा रहे हैं। तो उस फिल्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा कि कुंवर जी के साथ रहते हुए सोचना नहीं हो पाता था, सिर्फ महसूस करना ही होता था, और उनकी जो जीवन शैली थी या उनकी जो मन की शैली थी या उत्तर मन की शैली थी वो एक रिदम था, वो ही उनके बोलने का, चलने का, सोचने का या जीवन जीने का जो प्राण की प्रवाहता है उसकी वो एक रिदम था। मैंने कोशिश की है कि उसी रिदम में फिल्म को प्रेजेंट करें, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है। आप लोग फिल्म को देखिए श्रद्धेय गुरुजनों एवं प्रिय मित्रों, उस रिदम को जो उनसे आप मिले होंगे तो शायद आपको महसूस हो कि कुंवर जी के होने का जो रिदम है वही फिल्म का रिदम। क्यों उसे लौट कर आना पड़ता है बार बार उसी दुनिया में लिए वही खाली पात्र, क्यों उसे लौट जाना पड़ता है हर बार उसी तरह खाली हाथ, मुट्ठी भर अन्न डालते हुए उसके कटोरे में देखें हमारा दिया उसकी विनय से छोटा तो नहीं, मिट्टी के खाली पात्र को नहीं करुणा से भरी उसकी आंखों को देखें कि हमारे द्वार पर आया भिक्षुक कहीं बुद्ध तो नहीं।
पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। जीवन को पूरी तरह पाने और पूरी तरह दे जाने के बीच एक पूरा मृत्यु चिन्ह है। बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है। कभी कभी एक फूल के खिलते ही उस पर मुग्ध हो जाता है पूरा जंगल। देखते देखते फूल ही फूल हो जाता है उसका तन मन, उसका जल थल, उसका पल पल। यह जिस अरण्य का दूसरा हिस्सा है, उसके पहले हिस्से में फूल नहीं था, न उस पर कोई विमर्श, केवल एक प्रश्न था कि जिस बीज में निबद्ध है पूरे वृक्ष की वंशावली, उसके विकास की तमाम शाखाओं प्रशाखाओं, जातियों प्रजातियों, चक्रों कुचक्रों, क्रमों उपक्रमों से होते हुए कैसे उसके सर्वोच्च शिखर तक पहुंचकर बची रह पाती है एक विनम्र सुंदरता। किसी दिन कुमलाती सी आवाज में उसने कहा होगा, अब मुझे जाना है। विदा कहते ही अंग अंग अनेक उपमानों में बदल गई होगी उसके जाने की एक एक भंगिमा। पहले वह गई होगी जैसे सुगंध, फिर जैसे रूप, जैसे रस, जैसे रंग, फिर पंखुड़ी पंखुड़ी बिखर गई होगी जैसे एक साम्राज्य। लेकिन जाते जाते एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा होगा, किसी की कल्पनाओं में छूट गई अपनी ही एक अलौकिक छवि, और अपने से भी अधिक सुंदर कुछ देखकर ठगी सी खड़ी रह गई होगी कहीं धरती और आकाश के बीच, एक अस्तव्यस्त छाया चित्र किसी पुराकथा के मध्यम उजाले में, एक अधूरी रचना लौटती है पृथ्वी पर बार बार खोजती हुई उन्हीं अनमनी आंखों को, जो देखती हैं जीवन को जैसे एक मिटता सपना, और सपनों में रख जाती हैं एक अमिट जीवन। एक हरा जंगल धमनियों में जलता है तुम्हारे आंचल में आग, चाहता हूँ झपट कर अलग कर दूं तुम्हें उन तमाम संदर्भों से जिनमें तुम बेचैन हो, और राख हो जाने से पहले ही उस सारे दृश्य को बचाकर किसी दूसरी दुनिया के अपने आविष्कार में शामिल कर लूं। लपटें एक नए तट की शीतल सदाशयता को छूकर लौट जाए। हम सोचते हैं कि जीवन में सरप्राइजेज हैं,
वो बराबर आती जाती रहती हैं, और अगर हम अलर्ट हैं तो उनको हर मोड़ के ऊपर एक मौका भी मिलता है, एक उनको उसमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, उम्मीद बनाए रखना चाहिए। मृत्यु तो देखो ऐसा है कि आएगी ही, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मृत्यु के भय को हम जरूर अवॉइड कर सकते हैं। और उसका एक तरीका ये है कि हमको जैसा बनाने की कोशिश करें, जैसा कि हमने आत्मजय में भी कहा है, जो इम्पेरिशेबल हो, जो अमर हो, यही एक तरीका है कि हम मृत्यु के आतंक से थोड़ा सा उबर सकते हैं। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उलझुल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने का। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। लिखी है नचिकेता में कि यदि पीना ही हो जहर
उसे दो तरह किया जा सकता है, डरते डरते मरने से पहले ही मरकर या उसी चरम भय से कोई अंधा पलपा जीवन से भी ऊपर उठकर। बहुतों को पसंद करती है वह, उसकी पसंदें मुझे भयभीत नहीं करती। बहुतों से अलग कभी कभी बिल्कुल अपनी तरह उसके साथ होने की इच्छा को मैंने खुद से भी छिपाया है। अज्ञात जगहों में, लंबी यात्राओं में, उसके और अपने बीच अनेक काल्पनिक प्रसंगों को इस तरह रचा है मानो वो मीनाक्षी नहीं मेरी कविता या कहानी हो, जिसे जब जैसे चाहूं लिख या पढ़ सकता हूं। मानो वह अधिकार देती है कि उसके हंसने को ऐसा कोई अर्थ दूं जैसा देती है कभी कभी धूप ऊंचाइयों से गिरते झरनों को, या हवा लोटपोट फूलों को, या उसके बोलने को कहूं कि वह एक छंद है जिसके अंदर मेरी एक अटपटी इच्छा बंद है, या उसके साथ किसी मामूली सी चहलकदमी के किनारे एक नदी बना दूं, या मांडू का किला, और कहूं कि रूपमती इस क्षण मैं सैकड़ों वर्षों को जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ, और अचानक उसे बाहों में भरकर चौंका दूं एक ऐसे वक्त जब वह सचमुच परेशान हो, अपने चेहरे पर गाढ़ी होती झुर्रियों को लेकर या आंखों पर जल्द चढ़ने वाले चश्मों की चिंता से, हवा से खेलते उसके केश, एक खुशबू उसे छूते हुए ठहर गई है स्मृति में उकेरती हुई एक इच्छा मूर्ति, किसी मंदिर की निचली सीढ़ियों को छूती कावेरी या तुंगभद्रा, लहरों को छूते उसके हाथ, पिछली सदियों का प्रमाद जब यक्षिणी के पाषाण वृक्षों तक उठाया था बाढ़ का जल और ठहरा रह गया था वहीं उसका एक दुस्साहसी पल। आओ इस भागते उजास को जिए, डूब कर उस एक नाजुक क्षण में जब सब कुछ होता है हमसे उदास या प्रसन्न। एक अपवाद से ज्यादा लंबी हो तुम्हारी आयु उन शब्दों में जो तुमसे मिलता जुलता एक सपना देखते हैं, कि उस सूर्य बिंदु तक उठें जहां से साफ देखा जा सके इस मटमैली सतह को, जिसे हम बार बार सजा कर धारण करते हैं एक मुकुट की तरह। एक नए संधि तट से देखें उस अरूप शिलावत चमक को, चिटक कर स्वयं से अलग होते, तड़ित गत से कौंध कर पृथ्वी में प्रवेश करते, और एक अमिट अनुभव के सौंदर्य को किसी भविष्य में घनीभूत होते। साथ बहें जिन तटों को हम छुएंगे, बसा जाएंगे, हजारों नाम देंगे
इस उन्माद के वशीभूत होने को, एक आवेग में बह जाने को कहेंगे जीवन, अपने ही प्रवाह में नहा उठने को एक अलौकिक संज्ञा में बांधेंगे, और एक दिन इसी तरह बहते हुए कभी जंगल, कभी गांव, कभी नगर से होते हुए सागर में समा जाने को ढिठाई से कहेंगे कि नदी बूढ़ी नहीं होती। इतनी अनांगिक सुंदरता कि एक काया में न समाती, बार बार लौटती है विभिन्न शरीरों में, विभिन्न देशों और समयों में, कभी हेलेन, कभी क्लियोपेट्रा, कभी कार्मेन। कहती वह, मेरा पीछा मत करना, प्रतीक्षा करना, मैं स्वयं ही आऊंगी तुम्हारे जीवन में। मैं भोर की बहती हवाओं की तरह अस्थिर हूँ, फूलों पर चमकते ओस कणों की तरह क्षणिक, स्पर्श से परे एक कवि का स्वप्न। मुझे पहली बार ऋषियों ने एक ऋग वन में देखा था, इतनी आत्मिक कि एक देह तक नहीं। प्रेम के बारे में तो हम सोचते हैं कि खाली वो एक इंडिविजुअल तक की नहीं सीमित होना चाहिए, प्रेम का कारण सार्वभौमिकता और सार्वजनिकता में उदात्तीकरण होना जरूरी है। जब तक प्रेम का उदात्तीकरण नहीं होता तब तक वो रचनाशील नहीं होगा। जो मेटाफिजिकल डायमेंशंस हैं वो भी जीवन का ही एक सच्चाई है, खाली भौतिक का आयाम नहीं बल्कि पराभौतिक आयाम में भी जो जीवन है अपने लिए अर्थ ढूंढ लेता है, इसलिए हम उसको भी जीवन का ही अंश मानते हैं। ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, हमको उसमें सेल्फ रियलाइजेशन भी पॉसिबल हो पाता और बहुत से जो सवाल है जो कि हमको जीवन के ही उसका उत्तर मिल जाता है उनकी भी बात की जाती है।
वस्तु और वस्तु के बीच भाषा है जो हमें अलग करती है। मेरे और तुम्हारे बीच एक मौन है जो किसी अखंडता में हमको मिलाता है। एक दृष्टि है जो संसार से अलग असंख्य सपनों को झेलती है। एक असंतुष्ट चेतना है जो आवेश में पागलों की तरह भाषा को वस्तु मान तोड़ फोड़ कर अपने एकांत में बिखरा लेती है और फिर किसी सिसकते बालक की तरह कातर हो भाषा के उन्हीं टुकड़ों को पुनः अपने स्खलित मन में समेटती है, संजोती है और जीवन को किसी नए अर्थ में प्रतिष्ठित करती है। जीवन से वही मेल रोज रोज धीरे धीरे कर्ण दे मलिन आत्मदर्पण अति परिचय से ऊप से थकन से बचा रहे। रहने दो अविज्ञात बहुत कुछ। चांद और सोनी रातों का बूढ़ा कंकाल, कुछ मुर्दा लकीरें, कुछ गिनी चुनी तस्वीरें जो मैं तुम्हें देता हूँ, पुरानी चौहद्दी की सीमा रेखाएं हैं। पर मैं प्रकाश का वह अंतर केंद्र हूँ जिससे गिरने वाली वस्तुओं की छायाएं बदल सकती हैं। आरसी बिजलियों की तरह अकस्मात अपनी पंक्तियों में भवक कर मैं संसार को नंगा ही नहीं करता बल्कि अस्तित्व को दूसरे अर्थों में भी प्रकाशित करता हूँ। मेरे काव्य के इन मानस परोक्षों से एक अपना आकाश रचो। मेरे असंतुष्ट शब्दों को लो और कला के इस विदीर्ण पूर्वग्रह मात्र को सौंदर्य का कोई नया कलेवर दो, क्योंकि यही एक माध्यम है जो सदा अक्षुण्ण है। शब्दों से घनिष्ठता बढ़ने दो कि उनकी एक स्फुट लहक तुम्हारे सौम्य को छू ले और तुम्हारी विशालता मेरे अधेय को समझे। स्वयं सिद्ध आनंद के प्रौढ़ आलिंगन में समा जाए ऋचाओं की गूंज सा आरिलोक। पूजा के धूप सी कोमल निहार धुली दुध मुही नई नई संस्कृति को बाल मानवता के स्वाभाविक सपनों तक आने दो। एक सात्विक शांति प्रभात के सहज वैभव में थम जाए। असह्य सौंदर्य विस्मय की परिधि में अकुला दे प्राणों को। ऐ अजान, तुम तक यदि मेरा भावोद्वेल पहुंचे तो इस कोलाहल को अपने आकाशों में भरसक अपनाना। तुम्हें आश्चर्य होगा यह जानकर कि कवि तुम हो और मैं केवल कुछ निष्प्रिय तत्वों का एक नया समावेश तुम्हारी कल्पना के आसपास मंडलाता हुआ जीवन की संभावनाओं का एक दृढ़ संकेत। बस वहीं से लौट आया हूँ हमेशा अपने को अधूरा छोड़कर, जहाँ झूठ है, अन्याय है, कायरता है, मूर्खता है। प्रत्येक वाक्य को बीच ही में तोड़ मरोड़ कर, प्रत्येक शब्द को अकेला छोड़कर वापस
अपनी ही बेमुरव्वत पीड़ा के एकांगी अनुशासन में किसी तरह पुनः आरंभ होने के लिए अखबारी अक्षरों के बीच छपे अनेक चेहरों में एक फक चेहरा अपराधी की तरह पकड़ा जाता रहा बार बार अद्भुत कुछ जीने की चोर कोशिश में, लेकिन हर सजा के बाद वह कुछ और पोड़ा होता गया, वहीं से उगता रहा जहां से तोड़ा गया, उसी बेरहम दुनिया की गड़बड़ रौनक में गुंजाइश ढूंढता रहा बेहयाई से जीने की, किसी तरह बची उम्र खींच कर दोहरा ले, एक से दो और दो से कई गुना, या फिर घेर कर अपने को किसी नए विस्तार से इतना छोटा कर ले जैसे मछली, और इस तरह शुरू हो फिर कोई दूसरा समुद्र। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग ही लगना था तो फिर कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। धन्यवाद निखिल चटर्जी सर। धन्यवाद गौतम चटर्जी सर। दृश्य और काव्य के इस सहमेल के बाद अब मैं आप लोगों को वैचारिक गद्य की ओर लिए चलता हूँ। मैं सबसे पहले पंकज जी पंकज चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनामिका जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंगलेश डबराल से आग्रह है कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और प्रयाग शुक्ल सर से आग्रह है कि वे भी आए मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। कहानियों पर बात करने के लिए प्रियदर्शन सर से भी आग्रह है कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। टोकरी में दिगंत
को देखने वाली कवित्री अनामिका जी से आग्रह है कि वे आए और झील में जो बिजलियां सोई पड़ी हो इस शीर्षक से भी अपना बात रखेंगी। कुंवर जी की कविताओं पर भी आकर के अपनी बात रखें। अनामिका जी, आदरणीय भारती जी, अशोक जी, हरीश सर, पूनमदी, प्रयाग जी, मंगलेश जी, जो भी मेरे गुरुजन हैं उनको प्रणाम। मित्रों, इसके पहले कि मैं इस अंतिम संग्रह के बहाने कुंवर जी के मुख्य सर्वकारों पर बात करना चाहूं करूं, एक छोटी सी बात मैं इसके स्थापत्य पर कहना चाहती हूं। मेरे पास तरह तरह की छायाओं से घिरे हुए अपूर्व आए थे ये छाया प्रति लेकर, और मैंने जो पन्ने पलटे तो सबसे पहली बात ये मेरे ध्यान में आई कि सारी कविताएं छोटी छोटी सांसों की तरह हैं, बहुत ही छोटी सांसें। बहुत ऊंचा चढ़ने के बाद जब आदमी बिल्कुल अकेला हो जाता है, ऊंचाई अकेला करती भी है, तो जो छोटी छोटी सांसें होती हैं उनका छंद इनके शिल्प पर छन आया है। आप देखेंगे मैं दो कविताएं पढ़ती भी हूँ जिससे बात समझ में आए। छोटी सांसों का प्रवाह तो है लेकिन कहीं कहीं चौंके हुए मन की अटकन भी है, सांस कहीं कहीं रुक भी जाती है, जैसे सांस लेना भूल गए हो, भूले सबहि अपान, जैसे तुलसीदास में होता है। और उसके बाद चूंकि प्रकृति क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर चलती है, एक सांस कहीं अटकी है और पूरा एक हवा का समुंदर उमड़ आता है उस अटकी हुई सांस में समाने, उसको आलिंगन बद्ध करने। और उसके बाद हवा और कवि का संवाद शुरू होता है। ठीक उसी लय में शुरू होता है जिसमें बूंद से समुंदर मिलती है कबीर के यहाँ। ये कविता है, छोटी सी है, मैं छोटी ही कविताएं चुन के लाई हूं ताकि समय पर अपनी बात खत्म करूं। ऐ हवा ले चल मुझे कहीं भी, सांस हूं मैं भी तेरी ही तरह, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी, आंधी की तरह एक रात उठ तोड़कर मुझे वृक्ष के वक्ष से ले चल, सागर मरुथल पर्वत घाटी कहीं भी, एक बार जहां अनुभव कर सकूं कि मैं केवल एक देह में कैद नहीं, वह प्राण हूं जो धड़क रहा है पूरे संसार में। आप जानते हैं कि भारतीय दर्शन में इनकी बहुत गहरी रुचि थी। हमारे यहां चार अंतःकरण के की चार अवस्थाएं कही गई हैं, मन, बुद्धि, स्मृति और चित्त। ग्रेजुअल ट्रांसेंडेंस कहना चाहिए इसको,
मन जो कहता है कि आंचल में सबको समेट लो, जो कुछ है हंसोत लो, और उसके बाद बुद्धि विश्लेषण करती है, जितने फूल हैं, जितने फल हैं आंचल में, वानर की तरह उसकी एक एक पंखुड़ी नोचती हुई, उसका विश्लेषण करती हुई वो बाहर फेंक देती है उसको, वो नहीं भी फेंक पाती। उसके बाद कहते हैं कि स्मृति होती है, स्मृति जातीय भी स्मृतियाँ होती हैं, वैयक्तिक भी स्मृतियाँ होती हैं, और वे स्मृतियाँ क्या करती हैं, जैसे उसमें एक फिल्टर लगा होता है, वो मन की तरह सब कुछ नहीं हसोतती, उसमें जो सूक्ष्म अनुगूंजे हैं या छायाएं हैं जो इस फिल्म में पकड़ी गई बहुत खूबसूरती से, जहाँ पानी टप 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 बोल रहा था, एक नई तरह की आहट घोल रहा था हम सबके मन में, उसी तरह की आया वो महीन छायाएं, महीन अनुगूंजें छनती हैं मन स्मृति में, और उनका एक प्रतिसंसार कविता में रचा जाता है, खासकर कुंवर जी जैसे कवियों के यहाँ। अब इसी इसकी स्मृति की भी समस्याएं हैं कि इसमें अस्मिता एक हो जाती है, अगर स्मृतियां अच्छी न हुई तो असर्ट करती हैं अस्मिता, अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई नरगिस बहुत दिन अदेखी रह गई तो उसे लगता है कि कोई दीदावर हो उसके लिए, वो असर्ट करती है। इसी पर दुनिया में जितने भी अश्वेत हैं, स्त्रियां हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, सबसे पहले तो निर्धन जन, वो कहते हैं कि एक बार इधर भी हम भी मुंह में जबान रखते हैं, तो ये लेकिन अस्मिता का स्वभाव भी ट्रांसेंड करना है, वो नहीं चाहती कि वो घेरे बंदियों में रहे। और ऐसे जो कवि हैं हमारे कुंवर जी जैसे कवि, वो लगातार यही कहते हैं कि कैसे ट्रांसेंड किए जाएं घेरे, जो घेरे बंदियां हमें सुरक्षा देती हैं, हम इसीलिए घर बनाते हैं, हम कबीले बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं, जातियां बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, बहुत सारे कृत्रिम घेरे और बाड़े बनाते हैं क्योंकि हमें अकेले डर लगता है। उसके बाद लेकिन ऐसी कविताएं चित्त पर वैसी ही दस्तक देती हैं जैसी इस फिल्म में बूंदे हमारे चित्त पर दे रही थी, ठक 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 ठक, और उसके बाद हम में से एक संकल्प उठता है, सबके मन में एक ऊर्ध्वबाहु संकल्प उठता है और वो कहता है कि ये घेरेबंदियां तोड़नी है, धीरे धीरे सब सबसे आगे जाना है और कबीर की बूंद को समुंदर हो जाना है। ये जो कबीर कहते हैं फूटा कुंभ कुंभ जल ही समाना, यह कतत कथो ज्ञानी, यही वो कह रहे हैं यहाँ पर कुंवर जी हवा से, कि जो बीच में उनको अपने देह भी एक कैद खाना लगती है, वो कहती है कि मेरे भीतर जो हवा कैद है वो भी बाहर जाए और उस हवा उस विराट समुंदर में मिल जाए जहां से वो आई थी। हमारी सांसों का जो क्रम है वो एक कदम हम बाहर जाते नहीं कि हम भीतर लौट आते हैं, हम भीतर लौटते नहीं कि हम बाहर जाना चाहते हैं, हमें पढ़ने लिखने प्यार करने सोने चिंतन करने का एकांत चाहिए और हमें मिलने जुलने समुदाय बनाने के लिए एक ऐसा ऑल इंक्लूसिव सर्वसमावेशी परिदृश्य भी चाहिए जो घेरे बंदियों में यकीन नहीं रखता। एक छोटी सी कविता के बहाने ये इतनी बड़ी बात इन्होंने कही
और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह की बात हमारी जो अस्मिता है उसके बारे में भी आपने देखा कि उन्होंने जीवन में अपने वर्ग को ट्रांसेंड किया, उन्होंने वर्ग को ट्रांसेंड किया तो उन्होंने कुलियों की तरफ से सोचा, उन्होंने रिक्शे वालों की तरफ से सोचा, अपने धर्म को ट्रांसेंड किया तो उन्होंने अमीर खुसरो की तरफ से सोचा, सरहपा की तरफ से सोचा, उन्होंने काफ्का की तरफ से सोचा, उन्होंने कुमारजीव की तरफ से सोचा, उन्होंने कैसे और भी किया, उन्होंने बहुत कुछ ट्रांसेंड किया, इतिहास से मिथक, ज्ञान से संज्ञान, ऐन्द्रिक कामना से अहेतुक प्रेम, जिसके बारे में वह भी बोल रहे थे कि अगर वो हमारा नहीं, उसका एक के बहाने अगर सारी दुनिया अपनी अपनी न लगे तो प्रेम काहे का प्रेम, प्रेम वो प्रेम है जो एक के बहाने सारी दुनिया अच्छी लगने लगे। तो ये जो ग्रेजुअल ट्रांसेंडेंस है उसके लिए लगातार आगे बढ़ते हुए एक ढीली गठरी जैसे उन्होंने अपनी यात्रा में रखी थी अपने पास, उस ढीली गठरी से धीरे धीरे सब अस्मिताएं झड़ गईं और अंत में एब्सोल्यूट मिनिमम रहा। वो एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो दूसरी कविता के बहाने में बताती हूँ। उस कविता में जो आत्मिक धरातल के अलावा सामाजिक धरातल का ट्रांसेंडेंस है वो तो है ही है, अंत में जो बची है वो कविता की एब्सोल्यूट मिनिमम वाली ताकत है। जैसे पिकासो एक बार किसी के घर गए थे ना, अपने मित्र के घर, कोई था नहीं घर में, घर तो जिसने दरवाजा खोला उसको उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ एक सर्कल बना के चले गए। तो आए होंगे पिकासो के मित्र, तो पूछा होगा कि कौन आया था, तो कहा कि आए तो थे पता नहीं कौन लेकिन ये छोड़ गए हैं। तो मित्र समझ गए कि इतना परफेक्ट शून्य पिकासो ही बना सकता है, सरल होना कितना जटिल है। ये जो येट्स की कविताएं पढ़ते हैं या चक्रव्यूह से शुरू होकर इस अंतिम संग्रह तक कुमारजीव को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि सरल होना कितना कठिन है और एब्सोल्यूट मिनिमम की कला है ही कविता, ये हम सभी जानते हैं। और उसके बाद मिथकों का जब उन्होंने अवलंब लिया उस समय भी इस बात का ध्यान रखा कि इंडो इस्लामिक और इंडो यूरोपियन ये भी हमारे इस हमारी अस्मिता का ही हिस्सा है। पराया कोई नहीं होता, जिससे भी आत्मीय संवाद का रिश्ता बन जाता है वो अपना हो जाता है। इस बड़ी चेतना के साथ इन्होंने कविताएं की और मिथकों के पास भी इंक्लूसिव होकर गए, ये इनकी बहुत बड़ी बहुत बढ़िया बड़ा अवदान है। इन्हें लगता था कि एक विषैला धुआं फैल जाएगा अगर हम इंक्लूसिव ना हुए, अगर हमने परायेपन की राजनीति खेली लगातार। तो दुनिया के जितने अच्छे शब्द हैं भाषिक पर्यावरण की भी इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि आकाश में ही धुआं नहीं भरेगा, भाषा में भी धुआं भर जाएगा अगर हम एक ध्रुवीय आतंकवादी बाजारू शक्तियों के वशीभूत रहे और रहते रहे और हमने अपनी पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग बंद नहीं की। तो भाषा से भी शब्द, ऐसे बहुत सुंदर शब्द चले जाएंगे जिसकी लिस्ट उन्होंने दी है एक तीसरी कविता में। वो कहते हैं कुछ शब्द हैं जो अपमानित होने पर स्वयं ही जीवन और भाषा से बाहर चले जाते हैं। पवित्रता ऐसा ही एक शब्द है जो अब व्यवहार में नहीं, उसकी जाति के शब्द अब ढूंढे नहीं मिलते हवा पानी मिट्टी तक में। ऐसा कोई जीता जागता उदाहरण दिखाई नहीं देता आजकल जो सिद्ध और प्रमाणित कर सके उस शब्द की शत प्रतिशत शुद्धता। ऐसा ही एक शब्द था शांति, अब विलुप्त हो चुका है उसका वंश, कहीं नहीं दिखाई देती वह न किसी के अंदर न बाहर। कहते हैं मृत्यु के बाद वह मिलती है
मुझे शक होता है ऐसी हर चीज पर जो मृत्यु के बाद मिलती है, शायद प्रेम भी ऐसा ही एक शब्द है जिसकी अब यादें बच गई हैं वगैरह। तो उन्होंने अंत में वो कहते हैं कि हमें फिर शब्द कौन से बचेंगे। उन्होंने बादलों के बारे में भी बात की, बच जाएगा समय के बादलों की तरह का गरजता तरजता घमंडी नाद, युद्ध नाद। अगर ये शब्द पलायन कर जाएंगे विस्थापितों की तरह, फूट लूज लेबर की तरह, जो शब्द हमारे जीवन में मायने भरते थे, तो उसका स्थानापन्न किन शब्दों से होगा? युद्ध के नाद से होगा। उसके बारे में बादलों को बादल राग करता है एक निराला की भी, वहां बादल दूसरी तरह के प्रलयंकर मुद्रा में है, लेकिन यहाँ जिन बादलों की वो बात करते हैं जो युद्ध का नाद करते हैं, उसके बारे में वो कहते हैं कि इस युद्ध कातर आतंक विवल दुनिया में अब और हिंसा नहीं चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे उन्होंने बहुत सारी उदासियां भी हैं। जैसे एक बहुत सुंदर बिंब है इनकी एक कविता में विश्रांत अकेलेपन का, वहां दूर सरयू तट पर समाधि लेते सूर्य की उदासी। ये कितना सुंदर बिंब है जिससे इस पूरे संग्रह का चरित्र रूपायित हो सकता था अगर वो कुंवर जी नहीं होते। लेकिन कुंवर जी थे, इसलिए उन्होंने जे अल्फ्रेड प्रूफोक और के लव सॉन्ग और अमंग स्कूल चिल्ड्रन के वृद्ध किरदारों से अलग एक तरह का किरदार रचा, अपना परसोना रचा, जो हताश नहीं होता, वो उदास होता है, रिमझिम बरसती है उसके हर उदासी, लेकिन हताशा नहीं बरसती। ये जो अंग्रेजी का मुहावरा है ना, ऑल अलोन, तो उनका अलोननेस भी बहुत इंक्लूसिव है, उसमें बहुत कुछ है। जैसे ठुमरिया है, बेगम अख्तर की ठुमरी है, बगल में बैठी भारती जी हैं, जिनको वो इस तरह छूना चाहते हैं, उनके प्रश्नातुर उसको जैसे आग आग को छूती है और पानी पानी को छूता है। ये एक तत्व की ही प्रधानता प्रेम में, ये जो होता है कि हर दो धातुओं का अलॉय नहीं बनता, लेकिन एक अवस्था आती है प्रेम की, प्रेम में, जब आग और पानी का रिश्ता नहीं रहता स्त्री पुरुष में, आग और पानी का रिश्ता हो जाता है। ये जो है उसी को सब्लिमेशन कह रहे थे कि तत्व ही बदल जाता है, तत्व ही एक हो जाता। हमारी तरफ तो कहते हैं कि बुढ़ापे में पति पत्नी का चेहरा भी एक जैसा, प्रेमियों का चेहरा भी एक जैसा लगने लगता है। तो ये जो है ये एकांत, इस तरह का इंक्लूसिव एकांत, और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, मैं कहां तक नाम गनाऊं। जैसे कि पाषाण प्रतिमाओं का शिल्प है, किताबों पर पेंसिल के निशान हैं, निशानों से बनी पगडंडियां हैं, और पगडंडियों पर चल रहे हैं वो दोनों तरफ शब्दों के वन हैं। इतने सुंदर सुंदर उपमान, और कहीं भी झील की सोई सतह पर अचानक वर्षा की बूंदों की चुलबुलाहट है। ये जो बात है, ये बात है इनको अलग करने वाली। इन्होंने अपने पर भी चुटकी ली है, कहा है कि आंखों पर चश्मा चढ़ा के और नई मशीन लगा के, आंखों पर चश्मा लगा के मैं बेहतर देख सकता हूँ, आंखों पर नया चश्मा लगा के, आंखों पर कान पे मुझे वो चिट्ठी मिल गई प्रेम पत्र, तो अभी मैं छोड़ती हूँ, वो उदाहरण छोड़ती हूँ, सिर्फ इतना अंत में कहती हूँ कि इस पूरे दो विराट बिंब हैं जिससे ये पूरे संकलन का चरित्र समझा जा सकता है। एक अंकोट वन का बिंब है। इस अंकोट वन में क्या होता है कि छायाएं, मतलब जो शाखाएं हैं, वो एक कंबोडिया में बता रहे थे अपूर्व, एक मंदिर है, और कविता भी बताती है, और उसमें पाषाण की प्रतिमाओं में पेड़ प्रवेश कर गया है, और वो बाहें जो पाषाण की बाहें पेड़ की बाहें हो गई है, वो भी प्रेम की अनन्यता है, और जो पेड़ की बाहें हैं उसमें पाषाण का दिल धड़क रहा है। तो ये सब बड़ी बातें हैं जो इनको, इनकी कविता का चरित्र तय करती हैं।
एक अंतिम बिंब जो है वो बहुत सुंदर है, वो जो जितने भी द्वित्व हैं उनके समाहार का बिंब है, जितनी भी कश्मकश है उनके यहां इस विराट बिंब में समा जाती है। बीच में जो दो अतिरेकों के बीच का जो झिलमिल प्रदेश होता है, जिसको बुद्ध ने सम्यक दृष्टि का प्रदेश कहा या हमारे यहाँ स्थित प्रज्ञता कहते थे, उसको ये देखिए इन्होंने बाउल संगीत से उसको रिलेट किया है। एक राग है भटियाली, बाउल संगीत से जुड़ा हुआ, अंतिम स्वर को खुला छोड़ दिया जाता है, वायुमंडल में लहराता हुआ जैसे संपूर्ण जीवन राग से युक्त हुई एक ध्वनि अनंत में विलीन हो गई। वह शेष स्वरों को बांधता नहीं, इसलिए अंत में भी उनसे बंधता नहीं। अंतिम आज ऐसा कुछ एक अजीब तरह का एहसास देता है, ये जो अंतिम सिरा जिसका खुला हुआ है और जो बाउलों द्वारा गाया गया है, ऐसा अंतर संगीत राग भटियाली का ये जो गुजरा है हमारे सामने से गाता हुआ, वो कुंवर जी की कविता का सही रंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बेचैन पत्तों का कोरस पर बात करने के लिए मैं प्रियदर्शन जी को आमंत्रित करूंगा। प्रियदर्शन जी कहानी, कविता, उपन्यास और आलोचना लिखते हैं और स्पंदन सम्मान से सम्मानित हैं। और मैं इससे पहले उनको बुलाऊं, रघुवीर सहाय ने कुंवर जी के पहले संग्रह पर, कहानी संग्रह पर, आकारों के आसपास पर लिखते हुए कहा था, कुंवर नारायण की कहानियों में दो व्यक्तियों के अथवा एक व्यक्ति और उसके बाहर के संसार के बीच संबंध के बदलने की कहानी शामिल है। मुझे लगता है बेचैन पत्तों का कोरस पर बात करते हुए आप इस बात को और विस्तार से हमें समझाएं। प्रदर्शन दें। एक कवि के रूप में कुंवर जी की कीर्ति इतनी प्रबल रही है कि अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि वे एक विलक्षण गद्यकार भी रहे हैं। एक कवि के रूप में कुंवर नारायण की कीर्ति इतनी प्रबल रही है कि अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि एक विलक्षण गद्यकार भी रहे हैं। उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। बेशक की दुर्घटना हिंदी के और भी लेखकों के साथ हुई है कि उनकी कोई एक विधा या कोई एक कृति इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसके आवरण में बाकी कृतियां या विधाएं ओझल हो गई, लेकिन कुंवर नारायण के निकट इस अनदेखी का एक बड़ा मतलब है। इस अनदेखी की समझ मुझे तब हुई जब मैंने उनकी कहानियां पढ़ी। स्वीकार करता हूं कि रेया फाउंडेशन के सामंत्रण से पहले कुंवर नारायण के कविता संसार से अपने परिचय के बावजूद मैंने उनकी कहानियां नहीं पढ़ी थी। इस लिहाज से आज का दिन मेरे लिए बड़ा अवसर बन गया है। बस इसलिए नहीं कि कुंवर नारायण को मैंने एक नई विधा में पढ़ा, बल्कि इसलिए कि कुंवर नारायण ने इस विधा का जो संस्कार किया है वो अपने ढंग से अनूठा है। हिंदी के कथा संसार में उनको आप संभवतः किसी भी कालखंड में फिट नहीं कर सकते, लेकिन वे अप्रतिम ढंग से समकालीन हैं, इतने ज्यादा कि आप बिल्कुल ताजा घटनाओं से उनकी कहानियों को जोड़ सकते हैं। लेकिन कहानियों के कथ्य पर आने से पहले मैं कुछ बातें उनके शिल्प के बारे में कहना चाहूंगा। हिंदी कहानी, आधुनिक हिंदी कहानी मूलतः यथार्थवाद के ढांचे में बंधी कहानी रही है। ये फॉर्म शायद हमें पश्चिमी यूरोप से मिला है, जहां कहानियों के लिए यथार्थ को एक कसौटी बना दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि कसौटी उचित नहीं है, कहानियां अगर यथार्थ से न बंधी हों तो उनके कहानी रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, वे कहानियां भी नहीं रह जाएंगी। अंततः हर कहानी, चाहे वो परियों की हो, राक्षसों की हो, जादूगरों की हो, तिलिस्मी लोगों की हो, किसी न किसी यथार्थ से जुड़ती है और तब हमारी कहानी बन पाती है। लेकिन यथार्थवाद को कहानी की इकलौटी कसौटी मानकर चलने की आदत हमारे भीतर कुछ इतनी बद्धमूल हो चुकी है कि हम ये भी भूल जाते हैं कि दुनिया में कथा की विरासत का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अयथार्थवादी कथाधारा से निकला है। यूरोप के समानांतर एशियाई या लातिन अमेरिकी देशों की कहानियां यथार्थवाद के इस पारंपरिक शिल्प को तोड़कर कहीं ज्यादा यथार्थ परक वृत्तांत रचती नजर आई हैं। हिंदी के कथा संसार में भी इस यथार्थवाद से अलग लेखन की
कुछ हल्की लेकिन एक मजबूत धारा रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास इस यथार्थवाद का ढांचा तोड़ते रहे हैं। विजयदान देथा की कहानियां राजस्थान के लोक संसार से अपना रंग लेकर इस पूरी यथार्थवादी धारा के समानांतर खड़ी हैं। ऐसे उदाहरण और भी हैं। कुंवर नारायण की कहानियां भी यथार्थवाद के शिल्प को तोड़ती हैं। वे हिंदी के कथा आलोचकों के लिहाज से के लिए इस लिहाज से एक असुविधाजनक उपस्थिति है कि वे किसी कालखंड में नहीं समाते, लेकिन उनका शिल्प को तोड़ना, उनका अपना एक नया शिल्प बनाना इस कथा धारा से अलग दिखने या रचने की कोशिश नहीं है, उनके लेखन और चिंतन का स्वाभाविक प्रतिफलन है। वे जीवन और समाज और रचनात्मकता के पूरे कार्य व्यापार को लेकर इतने चौकन्ने लेखक हैं कि समझते उनको देर नहीं लगती कि जो बात वे कविता में अधूरे ढंग से या संकेतों में कह रहे हैं उसे गद्य में पूरी तरह कहने के लिए भी कहानी का पारंपरिक ढांचा पर्याप्त नहीं होगा। बेचैन पत्तों का कोरस, जिस कहानी संग्रह पे मैं बात कर रहा हूं, उसके प्राक्कथन में दो बातें कहते हैं, एक गद्य विधा को लेकर, दूसरा कहानी को लेकर। वे कहते हैं, आज जो कहानी लिखी जा रही, उनका वाक्य है, आज जो कहानी लिखी जा रही उसका पारंपरिक रूप बदल रहा है। गद्य की विधाओं का मिला जुला रूप विभिन्न तरीकों से कथा लेखन में शामिल हो रहा है। मुझे गद्य की अधिकांश विधाओं का उद्देश्य अब एक दिशात्मक न होकर बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता लग रहा है। जिस रूप में हमारे सामने जानकारियां उपलब्ध हैं, उनका एक समावेशी प्रभाव लेखन में आना स्वाभाविक है। गद्य विधा को रूढ़ अर्थों में बरतने का आग्रह मुझमें कभी नहीं रहा। दूसरी बात वे कहते हैं, कहानी को व्यक्ति के विचार और उसके मनोविज्ञान के निकट लाने के लिए उसके शिल्प को निबंध की विधा के समीप लाया जा सकता है। निबंध, खासकर व्यक्तिगत या ललित निबंध, इस युग में कम होते से लग रहे हैं। उसे कहानी के निकट लाना या कहानी को उसके निकट ले जाना, शायद दोनों को एक नया आयाम देना हो सकता है। इस संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित प्राक्कथन में और भी बातें हैं जो कहानी और गद्य की दूसरी विधाओं से उसके रिश्तों या फिर कहानी की अपनी शर्तों को समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन मूल बात यह है कि यह प्राक्कथन बताता है कि कुंवर नारायण कितने सचेत गद्य या कथा लेखक रहे। वे कभी कभी हाथ आजमा लेने या जायका बदल लेने के लिए कहानियां नहीं लिख रहे थे। कुछ था जो उनके लिए कहा जाना जरूरी था और जिसके लिए पारंपरिक विधाएं उन्हें पर्याप्त नहीं लग रही थी, और उसको कहने के लिए वे गद्य में आते हैं और कहानी को अपनी शर्तों पर बरतते हैं। लेकिन वो क्या चीज है जिसे कुंवर जी के विपुल काव्य संसार के बावजूद स्पष्ट ढंग से कहा जाना बाकी है? इस पर नजर डालें, यानी इस शिल्प की मार्फत हासिल तथ्य पर, तो हमें समझ में आता है कि कुंवर नारायण अपनी समग्रता में कितने बड़े कथा लेखक और चिंतक रहे हैं। इस संग्रह की पहली ही कहानी है सीमा रेखाएं। कहानी में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि दो देशों के बीच की सीमा रेखा अचानक खो गई है। अब दोनों देश लड़ना छोड़कर इस सीमा रेखा को खोजने में लग जाते हैं। इतिहास, भूगोल, पुरातत्व, वे जहां भी जाते हैं यही पाते हैं कहीं सीमा रेखाएं तो है ही नहीं। सीमा रेखा न हो तो दो देशों को अलग अलग कैसे पहचाना जाए? नागरिक सीमा रेखा खोजने निकले हैं और एक दूसरे के देशों में पहुंच गए हैं। यह समझ में नहीं आ रहा कि सीमा रेखा न होंगे तो देश कैसे होंगे, युद्ध कैसे होंगे, विकास कैसे होगा और सभ्यता कैसे आगे बढ़ेगी। कुछ देर पहले मैंने कुंवर नारायण की जिस अप्रतिम समकालीनता की बात कही थी, यह कहानी आज के संदर्भ में जिसका पूरा सुराग देती है। क्या इत्तेफाक है, कल ही मैं इसको बिल्कुल समकालीन घटना के संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहा हूं, कल ही भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत तोड़ने का फैसला लिया गया है और इसके लिए सीमा पर हो रही हलचलों को जिम्मेदार माना गया है। इस 29 सितंबर को हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाने जा रहे हैं। तो कुंवर जी होते और आज ये कहानी छपी होती तो बहुत सारे लोग ये कहने वाले निकल जाते कि लेखक ने बिल्कुल ताजा राजनीतिक संदर्भ को अपना विषय बनाया है। बेशक ऐसे सतही और सपाट राजनीतिक आशय कुंवर नारायण के हम खोजना उनके आशयों को छोटा करना है। वस्तुतः कहानी क्षुद्र राष्ट्रवाद या सैन्यवाद की सीमाओं का ही नहीं, उसके मनुष्यता विरोधी स्वरूप का भी उद्घाटन करती है। ठीक 100 साल पहले, शायद ये 1918 की ही बात थी, जापान में टैगोर ने 3 भाषण दिए थे, भारतीय राष्ट्रवाद पे, यूरोपियन राष्ट्रवाद पे और एक जापानी राष्ट्रवाद पे। वहां उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद मनुष्य द्वारा बनाया गया
सबसे ताकतवर एनेस्थीसिया है। मेरा ख्याल 1918 की ही बात थी या 16 की बात थी। दरअसल ये कहानियां देशकाल से बंधी होते हुए भी उसके पार जाती हैं। यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कुंवर नारायण के सरोकार बिल्कुल सभ्यता मूलक सरोकार हैं। वे सभ्यता के बुनियादी प्रश्न उठाते हैं। निसंदेह ये वायवीय प्रश्न नहीं है जो कई बार हम दार्शनिक बहसों और विचारों के संदर्भ में पाते हैं, बल्कि वे ठोस जमीनी सवाल हैं जिन्हें कविता से ज्यादा कोई गद्य ही स्पष्ट और मुखर ढंग से रख सकता है। इन कहानियों में अतीत में वे जाते हैं, इतिहास को पलटते हैं और अक्सर बहुत अनूठे ढंग से कोई नई व्याख्या, उसका कोई नया पक्ष हमारे सामने ले आते हैं। यहां हम पाते हैं कि उनकी प्रतिबद्धताएं भी बेहद स्पष्ट हैं। ये शायद हमारे समय की वैचारिक मजबूरी है कि हम हर तरह के लेखन में एक जनपक्षीय कसौटी खोजते हैं और जहां वह मिलती है उसे श्रेष्ठ मान लेते हैं, लेकिन ऐसे किसी फैशन से आक्रांत होकर नहीं, बल्कि अपने अनुभव, अध्ययन और विचार के निचोड़ से निकले निष्कर्ष को सामने रखते हुए कुंवर नारायण जो लिखते हैं वह अपने बुनियादी रेशों में पूरी तरह जनपक्षीय नजर आता है। इसकी मिसाल संग्रह की दूसरी कहानी वृंदा है। कहानी में अविनाश नाम के एक पात्र का खजुराहो के एक शिल्पकार से संवाद है। यह संवाद कई चरणों और कई परतों में घटित होता है। यहां बता दूं कि ऐसे संवाद कुंवर नारायण की कहानियों में इफराद से मिलते हैं और वे इतने दिलचस्प होते हैं, इतने प्रश्न खड़े करते हुए, इतने उत्तर खोजते हुए कि उनको पलट कर बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। बहरहाल अविनाश और इस शिल्पकार की बातचीत में इतिहास और कला का प्रश्न भी आता है और उसकी व्याख्या का भी। शिल्पकार ये दावा करता है कि खजुराहो के मंदिर का शिल्प के शिल्प का श्रेय उसके पूर्वज शिल्पकार की जगह तत्कालीन सम्राट को दे दिया गया है। उसकी जो स्मारिका पट्टी है उस पर उसके पूर्वज का नाम लिखा है जिसे राजवंश का बताया जाता है, लेकिन वह शिल्पकार के वंश का है। इतिहास, कथा और कला के कई प्रश्नों से घूमती हुई कहानी जहां खत्म होती है वहां वे शिल्पकार को चीखता हुआ पाते हैं, मैं उन अज्ञात वृंदाओं को किसी न किसी शताब्दी में स्थापित होते देखना चाहता हूं जिन्हें कभी एक सुल्तान की गुलामी तो कभी एक राजा की नौकरी ने सदियों से छोटी सी स्मारिका पट्टियों में कैद कर रखा है। क्या ये कहने की जरूरत है कि शिल्पकार की यह घोषणा एक स्तर पर खुद लेखक कुंवर नारायण की घोषणा हो सकती है? राज्य सत्ता द्वारा स्थापित सत्य को कला के सत्य द्वारा प्रस्तुत व्याख्या से अपदस्थ करने की? कुंवर नारायण शायद जैसे लेखक शायद लेखक के लिए ऐसी स्पष्ट घोषणाओं को गैर जरूरी मानते रहे हों, लेकिन उनके लेखन से छन-छन करी बात बार बार आती है। अचानक मुझे ख्याल आता है कि उनकी जिस भद्रता का जिक्र करने की हमें आदत हो गई है वह एक शरीफ आदमी का मैनर भर नहीं है। वह पूरी सभ्यता को मार्मिकता के साथ देख पा रहे और उसके बीच अपनी मनुष्यता का संधान कर रहे एक व्यक्ति की सहज मुद्रा है। संग्रह की लगभग सारी कहानियां आपको विचार करने और प्रश्न करने पर मजबूर करती हैं। इनमें कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो आपको लग सकता है कि कुंवर जी ने बस इस विचार या प्रश्नाकुलता को पकड़ने के लिए लिख भर दी है, लेकिन इनका कुल प्रभाव इतना गहन है कि आप इससे अपने आप को आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। कई कहानियां आपको मार्केज के जादू यथार्थवाद की याद दिला सकती हैं। मैं जिसकी बात कर रहा था कि यथार्थवाद के जो ढांचा हमें मिला हुआ है उसको तोड़ कर कैसे कुंवर जी बार बार नई बात कहते हैं। यहाँ लेखक बोर्हेज की कहानियां पढ़ते पढ़ते विनसांग की दुनिया में पहुंच जाता है। मुझे याद आता है कि एक कहानी मार्केज की भी है, वो उसमें एक सपना देखता है और सोचता है कि बोर्हेज ने भी सपना देखा होगा। क्या इत्तेफाक है कि कुंवर नारायण बोर्हेज की कहानियां पढ़ते करते पढ़ते विनसांग की दुनिया में पहुंच जाते हैं। मध्य एशिया के किसी मध्यकालीन समय में खच्चर या आज पर बैठा हुआ यह विनसांग एक गोष्ठी में हिस्सा लेने जा रहा है। यह 7वीं सदी का कूछा शहर है जहां मोक्षगुप्त से शास्त्रार्थ होना है। इस शास्त्रार्थ में मोक्षगुप्त कोश के प्रारंभिक अंश ठीक से सुना नहीं पाता, वह लज्जित हो जाता है, अपनी हार स्वीकार कर लेता है। इसके बाद लेखक या 7वीं सदी में बैठे उस पात्र की टिप्पणी है, बुद्ध के वचन उपदेश ग्रंथों को याद है, शिलाओं को याद है, ताम्र पत्रों को याद है, समय को याद है, पर एक भिक्षु को याद नहीं है। इससे बढ़कर दुख का कारण और क्या हो सकता है? स्मृति में बाधा पड़ने से मति विभ्रम होता है और सही मार्ग पाने में कठिनाई होती है। यह पराजय हर पराजय की भूमिका है, विद्वान मोक्षगुप्त पराजित। मैं इस आखिरी वाक्य तक आते आते सहम सा जाता हूं। स्मृति भंग हर पराजय की भूमिका है, जबकि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं
जिसमें स्मृति बार बार खंडित होती है, वह बनने से पहले बिखर जाती है। एक दृश्य ठीक से घटित होता नहीं कि दूसरा चला आता है। एक वाक्य का मर्म ठीक से समझ पाते नहीं कि दूसरे पर चले आते हैं। बिना कुछ कहे कुंवर नारायण हमारे लिए हमारे एक बड़े संकट पर उंगली रख देते हैं। संग्रह में ऐसी कहानियां और भी हैं। मेरे पास दो चार मिनट है ना, संग्रह में दो मिनट, हम बस दो मिनट बस, मैंने बिल्कुल 15 मिनट के हिसाब से आपके ठीक है। संग्रह में ऐसी कहानियां और भी हैं, इतिहास और पुराकथाओं तक जाती हुई, उनके आधुनिक भाषी की सतही कोशिशों से नहीं बल्कि उनके बीच के समकालीन मर्म को खोजती हुई और अंततः करुणा संचित विचार हमें दे जाती हुई कहानियां। भविष्य के वाल्मीकि का पत्नी से प्रतिवाद ऐसी ही कहानी है। लेकिन कहानियों की सबसे खूबसूरत बात उनके भीतर चल रही बहस और विचार की प्रक्रियाएं हैं। संधि नाम की कहानी में नायक सोच कर जाता है कि इस बार वह अपने बाबा से बहस नहीं करेगा, लेकिन दमालू के दम आलू कहा जाए या दम आलू कहा जाए, दमालू के उच्चारण से बहस शुरू हो जाती है और बड़े सवालों तक पहुंच जाती है। वो मतलब बहस करते हैं कि तुम सिर्फ मसाला पका के दिखाओ, मैं सिर्फ आलू पका के दिखाता हूँ, क्या खा सकते हो तुम, अलग अलग, तो बड़े सवालों तक पहुंच जाती है। अलग अलग शक्लों में वे एक फैंटेसी, एक यात्रा का छोटा सा संस्मरण, मोनालिसा की डायरी, भुवन का सोचना जैसी कहानियां आपको आनंदित भी करती हैं और लगभग उत्फुल्ल ढंग से ऐसा कुछ नया दे जाती हैं जिसके सहारे आप खुद को भी नया कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर भुवन का सोचना कहानी, इसकी शुरुआती पंक्तियां देखें। भुवन सोचता भूत है, यही उसकी सब मुसीबतों की जड़ है। उसके लिए लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं, उसके बहुत सोचने पर लोगों की लानत मिलती है। बहुत सोचना गलत है या कि न सोचना गलत है, सोचना उसकी आदत है, शायद इसलिए वह दूसरों के बारे में बिना सोचे नहीं रह पाता। वह पाता है कि हर आदमी सोचता है, जो नहीं सोच पाता उसके सोचने को खतरनाक पाता है। उसने अक्सर पाया है कि खतरा उठाने वाले और खतरा पहुंचाने वाले लोग अक्सर कम सोचते हैं। जो नहीं सोचते वे दूसरों के लिए भी नहीं सोचते, और कम सोचने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उससे किसी भी ज्यादा सोचने वाले को आसानी से हराया जा सकता है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। किरदार अपने आप को बीमार महसूस करता है और सब बोलते तुम सोचते हो कि तुम बीमार हो इसीलिए तुम बीमार हो। इस लंबी चर्चा के बीच एक कहानी के जिक्र का मुंह में नहीं छोड़ पा रहा, वारसा से ओल्गा, वारसा में ओल्गा। ये अद्भुत प्रेम कहानी है। 10 दिन के प्रवास में इतिहास की यातनाओं, एक शहर के विध्वंस और उसके बहुत सारे स्मृतियों के बीच एक निश्चल रिश्ता आपको नए सिरे से याद दिलाता है कि तमाम लड़ाइयों युद्धों से बड़ी दो लोगों की साधारणता होती है। कुंवर नारायण का बहुलार्थी गद्य अचानक कितना कोमल उठता है, इसकी बस एक मिसाल इस कहानी से देते हुए अपनी बात मैं खत्म करता हूँ। वो दो किरदार आपस में एक छाते के नीचे जा रहे हैं, एक छाते के निकट, एक छाते के नीचे दो गर्म निकटताएं, धरती पर नहीं बादलों में, बाहों पर कोमल उंगलियों का स्नेह स्पर्श, एक निकटता जिसमें फूलों की महक है, एक दृष्टि जिसमें तारे। ये वर्षा जाने कब थमे, एक चिंतित सर, ये वर्षा ने जाने कब थम जाए, दूसरा चिंतित सर। धन्यवाद।